this beautiful chant of Mahamantra one more time. Hare Krishna. Should forgive or not, depending on severity of the unfavorable experience, जो experience हमें हो रहे हैं, हमें क्षमा accept करनी चाहिए, क्षमा अगर कोई याचना कर रहा है, उसे accept करना चाहिए, कोई क्षमा ना भी मांगे, for all the wrong things they do, उस situation में हमारी approach कैसी होनी चाहिए, as an aspiring devotee, as a practicing devotee, एज एन ऑब्जर्वर, इन सभी के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सदीक्षा माता जी वेलकम. मरियम विया मली हरि बोल. हरे कृष्णा. बलराम तिवारी जी, राधा कृष्णा जी, हरि बोल. डिवोटीज आर स्टिल जॉइनिंग. लेट्स क्विकली ऑफर द गुरु प्रणति एंड गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटिफुल टॉपिक, ब्यूटिफुल सेल्फ लव टॉपिक. वी ऑल नीड टू केयर फॉर आवर सेल्व्स and we need to take a look what is there in our heart, because what is there in our heart is only what we can share with other people. So dear devotees, let us please join me for the prayers. Namo Om Vishwapadaya Krishna Prachaya Bhutale Srimate Gopala Krishna Goswami Niti Namine Prabhupadasya Sahityam Yaya Prakashya Vitivecha Pracharam Kitvan Sadhu Bhagavat Padayate Namah. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी. और जैसे कि मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ, बैकग्राउंड में जो ब्यूटीफुल कीर्तन का हम श्रवण कर रहे हैं, ये कीर्तन है बाय अच्युत गोपी, बड़ा हरिदास एंड सेवरल डिवोटीज. सो लेट अस फील नरिश्ड. ये जो ब्यूटीफुल हरे कृष्णा महामंत्रा का हम श्रवण करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स फॉर अवर पर्सनल डेवलपमेंट, और उसी के साथ मैं आपके साथ वैष्णव आचार्यस की टीचिंग से, प्रभुपाद की टीचिंग से शेयर करूंगी सम वंडरफुल ब्यूटीफुल एग्जांपल्स जो हमारे शास्त्रों में है, श्रीमद् भागवतम में है, चैतन्य चरितामृत में है, फ्रॉम लाइफ ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज लविंग एक्सचेंजेस विद हिज डिवोटीज. किस तरह से फॉरगिवनेस अप्लाई की है कुछ प्योर एग्जॉल्टेड सोल्स ने, और दैट इज़ अ ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. झारखंडी प्रसाद वर्मा जी वेलकम, एंड वी हैव राखी माता जी. हरे कृष्णा एवरीवन. सो फॉरगिवनेस से हम क्या समझते हैं, एट ए हाई लेवल, यू नो, अगर हम बोलते हैं ए पर्सन इज़ वेरी फॉरगिविंग, यानी कि वो पर्सन बहुत इजीली ग्रजेस को लेट गो कर देते हैं और बिटरनेस को अपने हार्ट में कैरी नहीं करते हैं. और यू नो, किसी के बारे में अगर हम बहुत केयर करते हैं, कोई हमारा लव्ड वन है, अगर वो हमें हर्ट करता है अपने एक्शन से, अपनी स्पीच से, अपने डिसीजन से, अपने चॉइसेस से, तो हम चॉइस ले सकते हैं कि हम उसको होल्ड ऑन करें, अपने अंदर एंगर और रिजेंटमेंट रखें, या फिर एम्ब्रेस करें फॉरगिवनेस और फिर फॉरवर्ड मूव करें. वी कैन टेक अ लुक एट द सिचुएशन विद द ब्यूटीफुल टीचिंग्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. सो हमें से कितने लोग आज तक हर्ट हुए हैं दूसरों के एक्शंस और वर्ड्स से. कभी कभी तो कुछ हमें ऐसी यादें भी होती हैं बचपन की कि पेरेंट्स ने हमें डिसिप्लिन किया, क्रिटिसाइज किया ग्रोइंग अप,
या फिर यू नो स्कूल में वर्क प्लेस पे कोलीग्स ने यू नो हमारा कोई वर्क सैबोटेज कर दिया, या फिर बहुत से लोग दुखी होते हैं लाइफ में इफ देयर पार्टनर्स हैड एन अफेयर, या फिर उनके सिबलिंग्स ने उनके साथ मिसट्रीटमेंट किया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो काफ़ी ट्रॉमा कॉज करते हैं, यू नो फिजिकली इमोशनली हमें अब्यूज़ फील होता है, और आजकल अब्यूज़ के बारे में बहुत अवेयरनेस है। तो ऑल द मोर रीज़न कि हम अंडरस्टैंड करें कि सिचुएशंस में हमें कैसा पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। एज अ भक्त, एज अ डिवोटी, हमें प्रिंसिपल्स ये अंडरस्टैंडिंग में आते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सरेंडर, शरणागति में हमें हमेशा भगवान पे डिपेंड करना है, हमें चॉइसेस लेना है, व्हाट इज़ फेवरेबल हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, क्या फेवरेबल है उसे चूज़ करें, जो फेवरेबल नहीं है यानी जो हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है उसे हम रिजेक्ट करें। लेकिन अगर हम इन फीलिंग्स को सप्रेस करें और ठीक से उन्हें ट्रीट नहीं करें, उन्हें अप्लाई नहीं करें, तो हमारे हृदय में कुछ हमें लाइक वूंड्स फील हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग्स हो सकती हैं, रिसेंटमेंट की, बिटरनेस की, एंगर की, हेट्रेड की, जो कि हेल्दी नहीं है, ना केवल हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए, हमारे इमोशनल हेल्थ के लिए, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। और अगर हम ऐसा पेन होल्ड ऑन करते हैं तो उसका प्राइस तो पे करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम इसको अंडरस्टैंड करें और एम्ब्रेस करें फॉरगिवनेस को, ताकि फ्यूचर में वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बी मोर पीसफुल एंड होपफुल एंड हाउ वी कैन मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और इस तरह से डियर डिवोटीज, आज का ये जो टॉपिक है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, और मैं चाहती हूँ आप सभी पार्टिसिपेट करें, इंटरेक्ट करें इन द कमेंट्स। फील फ्री, आप कमेंट्स में इस फॉरगिवनेस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस मिस ना हो। लेकिन अगर क्वेश्चन मिस हो जाता है तो ज़रूर टुवर्ड्स द एंड आप इस अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको रिपीट कर सकते हैं। हरी बोल झारखंडी जी, वेलकम। यस, जहाँ तक पॉसिबल होता है आई ट्राई टू वेलकम एवरीवन टू दिस प्रोग्राम, कभी कभी नेम्स मिस भी हो जाते हैं। सो अमेया अनिल कुमेरला जी, वेलकम एवरीवन। हु एल्स डू वी हैव हियर? बैसाखी माता जी, हरे कृष्णा। वी हैव लेट्स सी, जस्ट क्रॉल्ड अवे, जस्ट गिव मी अ क्विक सेकेंड। बलराम तिवारी जी, हरे कृष्णा। रीटा जी, सो नरसिंह राव प्रभु जी, हरी बोल। सो नाउ दोज ऑफ यू हु मिस द अर्ली पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम और जॉइन लेटर, प्लीज फील फ्री टू वॉच दिस प्रोग्राम लेटर एंड लीव योर कमेंट्स एंड क्वेश्चंस। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेटिंग गो, वी आर टॉकिंग अबाउट लेटिंग गो एंड लेट गॉड, वी आर टॉकिंग अबाउट हम किस तरह से अपनी ग्रजेस और बिटरनेस को लेट गो कर सकते हैं, सो दैट अपने हृदय में, अपने माइंड में ये ट्रॉमा कैरी ना करें कि हाउ वी आर मिसट्रीटेड, हाउ वी वर मिसट्रीटेड, हाउ वी वर हर्ट बाई सर्टेन सिचुएशन, एंड देर कैन बी लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दैट, देर कैन बी लव्ड वंस, देर कैन बी पीपल हु वी डोंट नो वेरी वेल। सो वॉट डज फॉरगिवनेस मीन टू यू, प्लीज मैंशन इन द कमेंट डियर डिवोटीज। जस्ट क्विकली शॉर्ट सेंटेंस में मैंशन कर दीजिए फॉरगिवनेस से आप क्या समझते हैं। बट इन जनरल आई कैन जस्ट क्विकली मैंशन दैट ये हमारा इंटेंशन होता है, हमारा डिसीजन होता है टू लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, किसी भी तरीके का रिसेंटमेंट और एंगर को लेट गो। और इस वक्त मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, वुड रियली अप्रिशिएट। फॉरगिवनेस से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं इसके बारे में ज़रूर मैंशन करिए, एंड फील फ्री टू मैंशन आपकी लाइफ सिचुएशंस के बारे में, किस तरह से आइदर स्पिरिचुअल लाइफ में या फिर अदरवाइज आपकी करंट लाइफ में भी कितना डिफिकल्ट रहा है आपके लिए किसी को फॉरगिव करना। सो एनीथिंग रिगार्डिंग दैट इफ यू कैन मैंशन वी कैन डिस्कस दैट। हरे कृष्णा। कना गासा बापति चरू पिया जी, वेलकम। हरे कृष्णा, बहुत समय बाद देखा आपका कमेंट एंड आपका नेम। सो नाउ हम श्रीमद् भागवतम से भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे। हम सब जानते हैं प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद ने जब नरसिंहदेव भगवान को यू नो प्रेयर्स ऑफर की, उसमें स्पेशली अपने पिताजी के लिए उन्होंने क्षमा याचना की कि उनके पिताजी को
मुक्ति मिले, उनके पिताजी को क्षमा मिले फ्रॉम नरसिंह देव। सो वो सेक्शन भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के बारे में डिस्कस करेंगे। कृष्ण भगवान ने इतनी लीलाएं जो की, इतने डीमंस का संहार किया, जो उन्होंने, ये उनकी कॉजलेस मर्सी थी उन डीमंस के लिए। इवन दो डीमंस उनको हार्म करने आए थे, पर भगवान ने सबको लिबरेट कर दिया। तो एक बात हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे जो विचार होते हैं ना, थॉट्स होते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं काफ़ी समय तक। ये जो हर्ट या ऑफेंस या ऑफेंड कोई हमें करता है, इसके थॉट्स हमारे साथ रहते हैं। लेकिन अगर हम फॉरगिवनेस पे वर्क करें तो उससे क्या होता है, ये जो पूरा एपिसोड होता है ना अनफेवरेबल, उसकी ग्रिप हमारे ऊपर कम हो जाती है और वो हमें हेल्प कर सकता है टू बिकम फ्री फ्रॉम द कंट्रोल दैट पर्सन हैज हु हैज हार्म्ड अस। सो फॉरगिवनेस से क्या होता है, इवेंचुअली अंडरस्टैंडिंग आती है, बेटर एम्पैथी आती है, कंपैशन आता है फॉर द वन हु हैज हर्ट अस। तो हम इस वक्त ये थोड़ा सोच सकते हैं, इस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्यों कंपैशनेट होना चाहिए दूसरों के लिए, एस्पेशली जो हमें हर्ट कर रहा है, उससे हमें एम्पैथी क्यों रखनी चाहिए, उसको हमें एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए। क्योंकि हर किसी में थोड़ा सा ईगो जरूर होता है और ये जो फॉल्स ईगो का इफेक्ट होता है ना, इसके कारण हम कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानते हैं। तो फॉरगिवनेस के साथ ये जरूर बताया जाता है कि फॉरगिवनेस डजंट मीन फॉरगेटिंग, ठीक है। इंसिडेंट को और सिचुएशन को याद रखिए क्योंकि उससे हमें कुछ लेसन मिल रहा है। सो फॉरगिवनेस डजंट मीन फॉरगेटिंग और एक्सक्यूजिंग द हार्म जो हम पर किया गया। इट डजंट नेसेसरली मीन मेकिंग अप विद द पर्सन हु कॉज द हार्म, बट फॉरगिवनेस से होता ये है कि इट ब्रिंग्स अस अ पीस और हमें हेल्प करता है कि हम फोकस कर सकें और अपनी जो एक्टिविटीज इन लाइफ की उसमें फॉरवर्ड मूव कर सकें। अब चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 वर्सेस दी श्री शिक्षा अष्टकम में, उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वर्स है और वो वर्स जो है, त्रिनादपि सुनीचे न तरुरवि सुहृष्णा अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। तो ये वर्स क्या कहती है, वन हु थिंक्स हिमसेल्फ लोअर देन अ ग्रास, वन हु इज मोर टॉलरेंट देन अ ट्री एंड हु डज नॉट एक्सपेक्ट पर्सनल ऑनर yet is always prepared to give respect to others can very easily chant the holy name of the Lord. अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सही में केयर करते हैं, हम genuinely प्लीज करना चाहते हैं सुप्रीम लॉर्ड को। आप देखिए भक्ति योगा चैप्टर जो है, चैप्टर 12 भगवद गीता में, उसमें डिवोटीज की क्वालिटीज, वैष्णव क्वालिटीज डिस्क्राइब है। अगर हमें इम्प्रूव करना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, इफ़ वी वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन, डेफिनेटली सम लेवल ऑफ पीस इज नीडेड। अगर हम पीसफुली भजन क्रिया नहीं कर पाएंगे तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे। अगर हम हर वक्त डिस्टर्ब रहेंगे कि फलां फलां पर्सन ने मुझे मिसट्रीट किया और मैंने उस सिचुएशन में ठीक से रिएक्ट नहीं किया, रेस्पॉन्ड नहीं किया, हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, टीचिंग्स मिलती हैं कि वी शुड लर्न हाउ टू रेस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट ऑन द फ्लाई, क्योंकि उससे और हम कर्मों में बाइंड हो जाते हैं, थिंग्स गेट वर्स। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस एंटेंगलमेंट, ये जो अपनी लाइफ की सिचुएशंस के एंटेंगलमेंट होते हैं, इनसे बाहर निकलने के बजाय हम इसमें और एंटेंगल होते चले जाते हैं। और चैंटिंग अगर हम अटेंटिवली नहीं कर पाएंगे, अगर चैंटिंग हम फोकस नहीं कर पाएंगे, अगर चैंटिंग के वक्त अवर माइंड इज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग अस कि इस सिचुएशन में ऐसा हुआ, इस तरह से यू वर इंसल्टेड, यू कुड हैव डन दिस दैट, देन इट्स ओनली जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये जो हमारे लिए ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर करिए, अपने आप को थिंक योर सेल्फ लोअर देन ए ग्रास, ऐसी ह्यूमिलिटी कल्टिवेट करिए, लर्न टू कल्टिवेट द टॉलरेंस ऑफ अ ट्री। ये कब पॉसिबल है, अगर हम कुछ पर्सनल ऑनर किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करें, टू बिकम टोटली सेल्फलेस या अनकंडीशनल या फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन इज एन आर्ट।
और ये सभी लोग इससे गिफ्टेड नहीं होते हैं ऑलरेडी. इट इज एन आर्ट विच वी कैन कल्टिवेट यू नो इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हु हैव दिस क्वालिटीज द सेंटली सोल्स. लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, तो इसके लिए हमें करना क्या है अपने आचरण में. वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स. नाउ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, हाउ कैन आई स्टिल बी रेस्पेक्टफुल इन सिचुएशन वेयर आई एम बीइंग ह्यूमिलिएटेड, हाउ कैन आई स्टे हम्बल इन दोज सिचुएशन. दैट रिक्वायर्स अ हायर विजन, दैट रिक्वायर्स हायर फेथ. और वो फेथ कहाँ से आए? सो डियर डिवोटीज, कमेंट से मेंशन करिए हमें ऐसी श्रद्धा कहाँ से आए जब हम रेडी नहीं हैं टू लेट गो. जो ह्यूमिलिएशन हमें मिलता है, जिसको टीचिंग्स बताती हैं कि हम ओवरलुक करें और टॉलरेंट बन जाएं, हम्बल बन जाएं. सो वेयर डू वी डेवलप दोज क्वालिटीज? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज मेंशन इन द कमेंट. आई वांट टू रीड योर कमेंट. इसका सॉल्यूशन भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लीज मेंशन करिए. देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आते हैं. ठीक है, वैष्णव आचार्यास ने मेंशन किया है कि एस्पायरिंग स्पिरिचुअलिस्ट के लिए कोई चैलेंजेस नहीं, कोई इम्पेडिमेंट्स नहीं है. लेकिन आते हैं चैलेंजेस, क्योंकि हमारा जो विजन है अगर वो प्योर नहीं है टोटली, तो हमें वो इम्पेडिमेंट्स लगते हैं. और इस तरह से ये जो सिचुएशंस होती है ना, जहाँ हमारी एबिलिटीज टेस्ट होती हैं, जहाँ हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी इम्पेडिमेंट बन जाता है. तो हाउ डू वी ट्रांसेंड दैट, उसे हम एलिवेट कैसे करें? उसके लिए कुछ वंडरफुल सॉल्यूशंस हैं जो हमारे वैष्णवाचार्य से हमें मिले हैं. एस्पेशली रूपा गोस्वामी मेंशन करते हैं देर आर फाइव वेज. मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दे दी है, क्लू दे दिया है. प्लीज मेंशन करें कमेंट्स में, व्हाट डू यू थिंक? एंड लेट मी सी, यू ऑल हैव बीन शेयरिंग समथिंग. लेट मी सी, वैसाखी माता जी, फॉरगिवनेस मीन्स हैविंग पीस ऑफ माइंड. यस, दैट इज वन वे टू लुक एट इट. नरसिंह राव प्रभु जी कहते हैं ओवरकम फ्रॉम कंजर्वेटिव एटीट्यूड, दैट इज अनदर पर्सपेक्टिव. एंड देन लेट मी सी, Have ever acknowledged Sri Krishna with you. This is probably you are asking me a question. Yes, in form of the holy names, we can all experience the Supreme Lord around us, Narasimha Rao Prabhuji. And we can talk more about that later. Abhi, let's stay focused about this beautiful topic of letting go, forgiving. And when I say forgiving, please remember, I'm not asking you, nothing can be erased, like the events happened, right? So we can forget, the unfavorable situations for peace of mind to let go. Okay, so that is why it is said, forgive but do not forget. Okay, and usse bhi aage badhke bahut top ki Vaishnav quality hai ye forgiveness ki. It is a quality pure devotees develop, and because we learn from them how they are willing to forgive. And this is a topmost quality of love and devotion. It is very endearing to the Supreme Lord. Chapter 12, Bhagavad Gita. And if you read Srimad Bhagavatam, it's all over. So I'm going to give you all some beautiful examples. But usse pehle, Kumar Vishalji, Hare Krishna. We have, who else has joined? Neeru Mataji, Hare Krishna. Neeru Mataji says, give yourself constant reminder that you are not this body. You are a part and parcel of Krishna, and so is the other person. It will become easier to forgive. So Mataji, this is a very good point. But my question was, what is forgiveness? Just short question, short response. How to forgive? We are of course going, we will just now discuss about it. So let's see. One more thing, dear devotees. इस लाइव प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दी है, अपने फेसबुक ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दी है, और यूट्यूब की चैनल की इन्फॉर्मेशन दी है. और किसी रीज़न से आपके लव्ड वंस जिनको आप चाहते हैं शेयर करें, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू फॉरवर्ड देम दीज लिंक्स एंड लेट देम जॉइन दिस प्रोग्राम. सो नरसिंह राव प्रभु जी से स्वैपिंग बैड विद गुड, एग्जैक्टली this is another perspective to look at it. So whatever we have, we are carrying in our heart, theek hai, wo agar inauspicious hai,
और उसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं पीस एंड फॉरगिवनेस से, दैट इज द स्वैग, वंडरफुल। नीरू माता जी, फॉरगिवनेस इज टू लेट गो विदाउट कीपिंग एनी ग्रजेस फॉर अदर पर्सन, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, यस। हरे कृष्ण, बैसाखी माता जी, रिमाइंडिंग एवरी टाइम अबाउट द वैष्णव टीचिंग्स इज द वे, यस, टू डेवलप दीज। सो डियर डिवोटीज, पहले भी हमने कुछ सेल्फ लव या फिर पर्सनल डेवलपमेंट के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आई थॉट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हम फॉरगिवनेस के बारे में बात करें, लेट गो कैसे किया जाता है, क्योंकि ग्रजेस हार्ट में कैरी करने से, यू नो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हरि नाम संकीर्तन, जो हमारे लिए रिकमेंडेड है इन करियज टाइम्स में, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर लाइफ टू अटेन द सुप्रीम गोल, उसको अगर हमें अचीव करना है, सो ये छोटी छोटी बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है। और जैसे कि हमने काफ़ी सारे लाइव किए हैं ऑन द ब्यूटीफुल डिवोशनल प्रोसेस ऑफ वंदनम, प्रेयर्स ऑफर करते हुए अगर हमारे हृदय में ग्रजेस हैं, डिस्टर्बेंस हैं, और उसके कारण वी आर नॉट फीलिंग पीसफुल एंड देयर, इवन दो वी आर ऑफरिंग प्रेयर्स टू अवर गुरु, वी आर ऑफरिंग प्रेयर्स टू द डिवाइन कपल श्री नंदनंदन, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, बट भगवान नोज द इंटेंट इन अवर हार्ट एंड वॉट इज गोइंग ऑन, राइट? सो दे आर वेटिंग, दे आर वेटिंग फॉर अस टू कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देम, एंड दैट इज वॉट मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ टू डेवलप दिस श्रद्धा। एंड आई थिंक वैसा कि माता जी, नाउ आई कैन रिलेट आपका रिस्पॉन्स, रिमाइंडिंग एवरी टाइम अबाउट वैष्णव टीचिंग्स, यस, वंडरफुल, दैट इज वन वे। एंड नीरू माता जी, रिमाइंडर दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, यस, दैट्स अ ब्यूटिफुल लेसन, टॉप मोस्ट लेसन वी गेट फ्रॉम वन ऑफ द लेसन फ्रॉम भगवद गीता। वॉट एल्स डियर डिवोटी, सीमा माता जी, हरे कृष्णा, इस वक्त मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि फॉरगिव करने के लिए, लेट गो करने के लिए, वी वॉन्ट दैट ब्यूटिफुल श्रद्धा इन अवर हार्ट। जब हम भजन क्रिया करते हैं, डिवोशनल सर्विस करते हैं, और तो श्रद्धा की जो स्टेजेस हैं, जिससे हमें थोड़ा टेस्ट बढ़े भक्ति के लिए, रुचि बढ़े, आसक्ति बढ़े, भाव आए, इन सब के लिए वी हैव टू डू रूट कॉज एनालिसिस। हमें देखना है क्या डिस्टर्बेंस जो हमें कॉज हो रहा है, माइंड से आ रहा है, माइंड क्यों डिस्टर्ब है, क्या रीज़न है, हमारे सेंसेस किस तरह से एंगेज हैं, हमारे सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में ऐसा क्या हुआ है। थोड़ा सा इसमें अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे डीपली, तो हमें सॉल्यूशंस नज़र आ जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स लविंग डिवोटीज आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस एंड गाइड अस। रीटा सीमा माता जी, हरे कृष्णा, चैंटिंग एंड वी ऑल आर बिहेविंग अकॉर्डिंग टू अवर गुड्स, ये आपने रिस्पॉन्स लिखा है कि वाई सिचुएशंस हैपन एंड हाउ टू ट्रीट इट, राइट? सो मेरा आपसे क्वेश्चन था, हम श्रद्धा कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है श्रद्धा का, टू बी ऑफ दैट पीसफुल माइंड सेट वेयर वी कैन प्रैक्टिस दिस वैष्णव क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस, अ टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ लव एंड डिवोशन इन अ प्योर हार्ट। सो नाउ let's see, let's move forward. Did I miss anyone's comment? Niru Mataji, surrender completely to Krishna, take it as your karma is getting cleared, let go and let Krishna do. Ye bahut commonly hum sunte hain ki let go and let God, right? Lekin usko practice karne mein difficulty aati hai, चाहे हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो डिवोशनल लाइफ, यू नो, यू क्रॉस सम डिवोटीज, आपने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, कैसे ऑफेंसेस लोग ले लेते हैं, आपने हरे कृष्णा किसी को ग्रीट किया, आपको रेसिप्रोकेशन नहीं आया, सीधा निकल गए आपको बिना देखे, दिल में ऑफेंस आ जाता है कि हमें इग्नोर कर दिया गया। आई विल नेवर फॉरगेट दैट, काफ़ी समय, सालों साल तक वो बात ध्यान में रह जाती है। अब आगे तो और बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। एक बार गौरंगदास प्रभु का लेक्चर हम सुन रहे थे, उन्होंने काफ़ी बहुत ही ह्यूमरस हिलेरियस लेक्चर दिया था, उसमें बोल रहे थे एक डिवोटी, यू नो, प्रसादम की लाइन में थे भाई, उनको गुलाब जामुन एक दिया गया, दो नहीं दिए गए, दूसरों को दो गुलाब जामुन, इसी पर ही वो बड़े नाराज़ हो गए कि अब से मैं ये टेम्पल कभी नहीं आऊँगा। तो मतलब ये तो बहुत ही सिंपल से मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, लाइफ में तो और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती रहती हैं, यू नो,
when expectations are not met, और उसके बाद में माइंड डज इट्स वर्क, यू नो माइंड डज इट वर्क एंड इंटेलिजेंस गेट्स बिविल्डर्ड। ये बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है श्रीमद् भगवद्गीता में। और फिर इंटेलिजेंस गेट्स लॉस्ट एंड देन व्हाट हैपेंस, हरे कृष्णा, देन वी आर इन अ बैड स्टेट, वी आर कैरिंग दैट ग्रज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वी डोंट हैव पीस ऑफ माइंड। सीमा माता जी सेज, Try to understand their pain or frustrated feeling and then forget. तो मैंने एक बात ये भी mention की थी पहले कि हमें compassionate क्यों होना चाहिए इन doers के साथ जो हम पर pain cause कर रहे हैं, हम इन्हें कैसे forgive करें, right? ये वाली हम बात कर रहे थे, लेकिन फिर हमने पहले श्रद्धा की बात की, तो now let's come to that point and yes, सीमा माता जी, अगर हम थोड़ा इस लेवल पे आते हैं कि अंडरस्टैंड करें, नीड इंटरेस्ट और कंसर्न्स बोला जाता है, दूसरे पार्टी की नीड और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा सोचें, तो हमें समझ में आएगा वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, व्हाई आर दे सेइंग द वर्ड्स और एक्टिंग इन अ मैनर विच इज हर्टिंग फॉर अस। इतना तो हमें समझ में आ गया कि अपनी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं हमारी, उसके कारण हम एक्सपीरियंस करते हैं सर्टेन इमोशंस एंड फीलिंग्स। Now from other party's perspective, why are they behaving unfavorably to us? This is one of the reasons. And so, because we have not understood their need, their underlying need, interest and concern, which is not being met. Neeru Mataji says, surrender completely to Krishna, take it as your karma is getting cleared, let go. Yes, Mataji, I understand you are saying that, but ek bahut important cheez samajhna ye hai, not everybody, हर कोई इस मोड ऑफ नेचर में ऑपरेट नहीं करता है ऑलरेडी कि ईजली। लोगों के पास बड़े बड़े पक्के पक्के ईगोज होते हैं और रीजंस होते हैं, जस्टिफिकेशंस होते हैं व्हाई अदर पार्टी शुड नॉट बी फॉरगिवन। और क्योंकि ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। Hare Krishna, there are many more comments and so I have browsed through some of the top comments, dear devotees. So, let me now discuss with you, let me remind everyone ki actually forgiveness ka matlab ye nahi hota hai ki hum bhool jayein, hum forget kar dein situation ko, kyunki uske lessons hame hamesha yaad rakh rahe hain aur uska matlab ye bhi nahi hota hai ki aap baar baar apne aap ko us situation mein dalein। सो इसलिए हमारी शास्त्रों की टीचिंग में है कि जो सेंटली सोल्स हैं ना, उनको हमेशा हम सर्व करते हैं, जो पीयर्स होते हैं उनके साथ फ्रेंडली लविंग एक्सचेंजेस करते हैं, जो इनोसेंट होते हैं और जो न्यू पीपल होते हैं उनको हम गाइड करते हैं, उनके प्रति हम कंपैशनेट होते हैं, और लेकिन जो हमें हमारे प्रति एनवी दिखाते हैं या हमारे लिए अनफेवरेबल होते हैं या हमारी एबिलिटीज वैष्णव क्वालिटीज़ को टेस्ट करते हैं, उनसे हम डिस्टेंस रखते हैं। वी रिमेंबर द लेसन्स दे गेव अस। सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरगिविंग समवन, प्लीज राइट इन द कमेंट्स एरिया। डियर फ्रेंड्स, डियर डिवोटीज, प्रभुजीज एंड माताजीज, क्विकली मेंशन, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इफ समवन कैन प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। लेटिंग गो ऑफ ग्रजेस एंड बिटरनेस गिव्स अस बेटर हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड, बेटर स्पिरिचुअल लाइफ, better devotional service, quality improves. So now let's discuss more benefits of forgiving someone. Please mention in the comments, let me see quickly, these have to be very quick short comments so that we can move forward quickly, kyunki main aapke sath shastron se kuch beautiful examples layi hu, wo discuss karna chahti hu. लेट्स चैंट हरे कृष्णा महामंत्रा वन मोर टाइम, जब तक आप में से काफी लोग कमेंट्स लिख रहे हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरगिवनेस।
Chatterjee says we can easily progress spiritually. Healthy mind resides in healthy body, good health, peaceful mind heading towards spirituality. Wonderful. So at a high level, क्योंकि हमारे इस लाइव प्रोग्राम में काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल टॉपिक्स में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो लुकिंग एट दैट ऑडियंस आई विल कवर एट ए हाई लेवल बेनिफिट्स क्या हैं फॉरगिवनेस के. देखिए, हेल्दियर रिलेशनशिप्स, राइट, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर होगा, फिजिकल हेल्थ बेटर होगी, तो ब्लड प्रेशर लोअर होगा, डिप्रेशन कम होगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी. और बताइए क्या बेनिफिट्स हैं. बेटर हार्ट हेल्थ, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हॉस्टिलिटी, ये सब रिड्यूस हो जाएंगे. एक्सक्यूज मी. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन एवरीबॉडीज लाइफ. दे मे एडमिट दैट और दे मे नॉट, लेकिन स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है विद कली एज. सो मेडिटेशन टेक्निक्स, चैंटिंग, ये सब सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं. अगर इनको हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें लाइफ से रिड्यूस होने लगेंगे एंड इंक्रीज क्या होगा, पीस एंड हैप्पीनेस. और एक बात और हमें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, इतना इजी क्यों होता है ग्रज को होल्ड करना, किसी के फॉल्ट्स देखना और उसको हार्ट में हमेशा याद रखना इजी क्यों होता है. क्योंकि बीइंग हर्ट बाय समवन, एस्पेशली जो हमारे लव्ड हैं ना, हैं जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, उससे क्या है, एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन आती है दैट आवर रिलेशनशिप्स विल बी परफेक्ट ऑलवेज एंड नथिंग इज परफेक्ट. So that can cause anger, sadness, confusion. और हम उस पर जितना dwell करेंगे in hurtful situations पर, events पर, तो क्या होगा, grudges आएंगी. They will be filled with resentment and hostility. And इस तरह से जब negative feelings आती हैं, positive feelings get thrown out of the window. So we have to make an effort to tolerate. We have to make an effort to lower our expectations. And then we have to also try to find ways where instead of finding faults, let us find what is a good thing in the person who is hurting us right now. Let's try to remember that. It is said that we should try to swallow up this bitterness or a sense of injustice, having that higher faith, always depend on God. कि जो हो रहा है उसकी कुछ पास्ट हिस्ट्री है. हम सब ने बहुत ही फेमस बुक के बारे में सुना है, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल. हर कोई समझता है कि यू नो देयर एक्ट्स आर वर्चुअस, दे हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. लेकिन होता क्या है, कुछ हिस्ट्री होती है, हमें केवल इस लाइफ की मेमोरी है और वो भी कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन क्योंकि देर इज सम हिस्ट्री, सो कर्मा कम्स टू कम्प्लीट इट्स साइकिल. इफ वी जस्ट एक्सेप्ट इट एंड लेट इट कम्प्लीट विदाउट रिएक्टिंग, वी फाइंड अवर सेल्फ दैट वी कैन प्रैक्टिस टॉलरेंस. सो नाउ वी सी सम पीपल आर नेचुरली मोर फॉर गिविंग देन अदर्स, बट इवन इफ वी टेंड टू होल्ड अ ग्रज, ऑलमोस्ट एनीवन कैन लर्न टू बी मोर फॉर गिविंग. ओके, सो नाउ थोड़ा सा इस बारे में बात करें, इफेक्ट क्या होता है जब हम ग्रज होल्ड करते हैं. जैसे कि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के लिए ग्रज होल्ड की थी, सो होता क्या है, देन विल स्ट्रगल विद द फॉरगिवनेस. यू नो देर विल बी एंगर एंड बिटरनेस इन अवर रिलेशनशिप्स एंड इन अवर एक्सपीरियंसेस, और उसमें हम इतना रैप्ड अप हो जाएंगे, वेयर इज द टाइम फॉर भजन क्रिया. वी कैनॉट बी वेरी माइंडफुल एंड बी प्रेजेंट as we make plans and we offer, make an offering to the Supreme Lord. Phir hoga kya, uska bahut analysis paralysis karenge, depression ho jayega, irritable ho jayenge, there will be anxiety. So is tarah se, you know, it's important that we should let go of the grudges, we should let go of what is there inauspicious in our hearts.
And then, now let's talk about how do I move towards this ability, to this state of forgiveness. What are the solutions? इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि forgiveness क्या है? It is a commitment to change. Now, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार forgive कर दिया तो, you know, बार बार वो situation ना हो. ऐसी situations बार बार आ सकती हैं. If we remember that we put ourselves in that situation, we will be careful in future to avoid those kind of interactions. So, हमें recognize करना है value of forgiveness and how it can improve our life. So now, healing की सभी को ज़रूरत होती है. So what we need to do is we have to identify what needs to heal and who we want to forgive. और इसके लिए you know साधु संगा devotee association पे बहुत stress दिया जाता है. People go to counselors also. They discuss their heart with them. And इस तरह से you know we get a lot of support and guidance. हमें सबसे पहले तो acknowledge करना है अपने emotions को about the harm which is done to us. And then we have to reflect how that emotion or those emotions उसने हमारे behavior को कैसे impact किया है. And then we have to apply working on releasing those emotions. That is the healthy way. And then we have to make a choice. We have to make a choice to forgive the person जिसने हमें offend किया है. जब ये control को हम release करेंगे and the power, you know, that the offending person and the situation have had in our life. तो हमें release करना है धीरे से, let go करना of that control and power. और वो हो सकता है by offering prayers, by reading scriptures, by reading positive motivational stuff, by reading affirmations, by so shravanam kirtanam vishnu smaranam, follow the navida bhakti. This is where it comes to our rescue. And when we read Srimad Bhagavatam, the words by Bhuk Bhagavat or Mahabhagavat, they give us the guidance. They tell us by the stories and the pastimes how Bhagavan himself applied forgiveness, how the saintly souls, they apply the forgiveness. And then, you know, we can then cultivate that deep mood of humility in our bhajan kriya. अब कभी लोग पूछते हैं ये बात, what happens if I cannot forgive someone? We'll just now discuss about it. Let me see your comments. Dear devotees, let me see your comments. Mana Bihari ji, Hare Krishna, Monu Singh, Murari Koila. Murari Koirala, Hare Krishna everyone. Very nice to see your comments. So dear devotees, now next point is, what happens if I cannot forgive someone? Because forgiveness is not easy really. It's easy to read and listen about it, but practically उसको apply करने में difficulty आ सकती है. Especially अगर जिसने हमारे साथ wrong किया है, if that person has hurt us और वो acknowledge ही नहीं करते हैं, वो acknowledge नहीं कर रहे हैं the feelings and they do not admit they have done anything wrong. तो इस तरह से लोग stuck हो जा सकते हैं situation के बारे में, उसके बारे में सोच सोच के. तो ऐसे में करना क्या है, what helps, and this is coming from really wise teachings, you know, and from shastras. So we have to practice empathy. Try seeing the situation from other person's point of view. उनके सारे faults ना देखें, उनमें देखें कौन सी अच्छी बात भी है. And this is, we can do only if we want to be peaceful. हमें अपने आप से question करना है about the circumstances that may have led the other person to behave in this way. थोड़ा सा circumstances के बारे में reflect करना है. Perhaps हम भी similarly react करते, अगर हमारी भी, you know, if हम, we should see ourselves, visualize ourselves in other person's shoe. Now this doesn't always apply. This is one of the ways we can, you know, reflect how, why I am not able to forgive someone. Now, reflect on times when others have forgiven us, right? So that is why there is importance of sadhus, the saintly souls, the deep meaningful relationships in our life. So we have to reflect and others can help us with that.
मैनी टाइम्स बहुत से लोग क्या ना जर्नल और डायरी लिखते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं, ये गाइडेड मेडिटेशन कहलाता है। और इस तरह से वी फाइंड दैट वी कैन बी मोर वाइज एंड कंपैशनेट, वी कैन टॉक टू अ स्पिरिचुअल लीडर, मेंटर, मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर, अ लव्ड वन, जो जिनको हम ट्रस्ट करें, सभी से हमें हेल्प मिलती है। तो हमें ये समझना है फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है, और छोटे से छोटा जो हर्ट हमें मिलता है उसको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट बोलते हैं ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, यू नो, अनफेवरेबल सिचुएशंस आर समटाइम्स ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। तो हम ऐसे सिचुएशंस को, सरकमस्टेंसेस को रिविजिट करके लेट गो कर सकते हैं। एंड देन क्या ये गारंटी किया जा सकता है कि फॉरगिवनेस के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा? ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन अवर रिलेशनशिप विद द पर्सन, अगर जो ये हर्टफुल इवेंट था उसमें जो इन्वॉल्व पार्टी है जिसके साथ हम अपना रिलेशनशिप वैल्यू करते हैं, तो डेफिनेटली फॉरगिवनेस फ्रॉम अवर साइड से फेवरेबल रिजल्ट आ सकते हैं। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। रिकंसिलिएशन कहलाता है ये। रिकंसिलिएशन इम्पॉसिबल हो जाता है अगर ऑफेंडर अभी है ही नहीं, वो दे हैव लेफ्ट द बॉडी, या फिर दे आर अनविलिंग टू कम्युनिकेट विथ यू। तो इसलिए कहा जाता है लाइफ इज शॉर्ट, प्लीज मेक अमेंड्स, प्लीज फिक्स एनी रॉन्ग डूइंग्स एंड फॉरगिव पीपल। हमें इस वक्त लग सकता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, बट हु नोज, पास्ट की करोड़ों करोड़ों लाइफ्स में हम क्या करके आए हैं। सो कर्मा हैज कम, सो लर्न टू बी टॉलरेंट, लर्न टू बी हम्बल। एंड कई बार ऐसा हो सकता है कि रिकंसिलिएशन माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट, लेकिन फॉरगिवनेस इज पॉसिबल इवन इफ रिकंसिलिएशन इज नॉट। सो नाउ बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि भाई हमने फॉरगिव कर दिया बट सामने वाले पर्सन में चेंज नहीं आ रहा है, और एंड व्हाट वाज द होल पॉइंट, यू नो। सो वी शुड थिंक फॉरगिवनेस हाउ इट कैन चेंज अवर लाइफ By bringing us, हम में कितना पीस आ रहा है, शांति आ रही है, हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, बेटर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल हेल्थ है। सो क्योंकि फॉरगिवनेस अगर हमने अप्लाई नहीं की तो इट कैन टेक अवे ऑल दिस फ्रॉम अस। सो नाउ कई, अब ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब तक तो हम इस पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे थे कि अगर दूसरे को हमसे फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए या हमें दूसरे को फॉरगिव करना चाहिए। What if I am the one who needs forgiveness? तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आप बताएंगे, मेंशन करिए कमेंट्स में। डियर डिवोटीज, What if we are the people who need forgiveness from the other person? यानी कि हमें ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करना है, अगर हमने कुछ रॉन्ग किया है किसी के साथ, हमें एसेस करना है, एक्नॉलेज करना है रॉन्ग्स वी हैव डन और जिसके कारण दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ा। सो देन एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि वी शुड अवॉइड जजिंग आवरसेल्व्स टू हार्शली, येट एट द सेम टाइम वी आर द वंस हु हैव कमिटेड रॉन्ग। ऐसे में व्हाट शुड वी डू? सी, फॉरगिवनेस इज अ वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक। इवन हम जब भगवान को प्रेयर्स ऑफर करते हैं ना, उसके बताए जाते हैं चार एलिमेंट्स, ग्लोरीफाई करें, यू नो, व्हेन वी ऑफर वंदनम प्रेयर्स, वी शुड ग्लोरीफाई द सुप्रीम लॉर्ड, वी शुड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, वी शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड रिपेंट फॉर एनी रॉन्ग डूइंग्स। सो देन व्हेन वी गेट सच ब्यूटीफुल लेसन इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, दिस इज हाउ वी बिकम हम्बल एंड बिकम रेसिपिएंट ऑफ भगवान्स मर्सी। ऐसे में अगर डिवोशनल लाइफ में या अदरवाइज ऑल्सो किसी के अगेंस्ट इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वी हैव बीन डूइंग रॉन्ग, देन व्हाट शुड वी डू एंड हाउ शुड वी डू इट? प्लीज शेयर योर थॉट्स, मेंशन इन द कमेंट्स। डियर डिवोटीज, लेट मी रीड योर कमेंट्स। बैसाखी माता जी से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन विद ऑनेस्टी, ये पहला स्टेप है। एंड इसके बाद अगर आपने फिगर आउट कर लिया है, रिफ्लेक्ट कर लिया है कि आपने गलत किया है,
So how do you go about asking for forgiveness? Okay? Vaisakhi Mataji says, Paramatma in our heart knows everything, nothing we can hide from him. Correct? That's true. So my question, dear devotees, aap sabhi se jaldi se short comments mein likhiye. How do you ask for forgiveness? Simple, very simple. Don't just mention say sorry. अगर प्रॉपरली थोड़ा और लिखिए, इससे ज़्यादा लिखिए, बताइए अगर आप रियलाइज कर रहे हैं आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली यू नो यू हैव सेड सम हर्टफुल थिंग्स और डन सम हर्टफुल बिहेवियर, हाउ डू यू गो अबाउट फॉरगिवनेस. ओके, वैसा कि माता जी का क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस ऑलवेज इफ कमिट एनी ऑफेंस? यस वैसा कि माता जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए होली नेम्स चैंटिंग के 10 आइटम्स हैं लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस में. और इस तरह से कई बार डिवोटी सोच सकते हैं कि चलो आई एम ऑल ओवर, ये सब हो रहा है, लेट मी कीप चैंटिंग. नो, यू विल लूज द टेस्ट फॉर डिवोशनल सर्विस इफ यू डोंट फिक्स द बर्नड ब्रिजेस. इफ यू रियलाइज यू हैव कमिटेड सम ऑफेंसेस, यू हैव अ प्रोसेस टू फॉलो विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू क्लियर द अकाउंट, अदरवाइज फ्यूचर में विद इंटरेस्ट कर्मा इज गोइंग टू कम बैक टू यू. हरे कृष्णा, नरेश प्रभु, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, हरे कृष्णा. सो नाउ जय हरिदास जी का क्वेश्चन है, आई वॉज रॉन्ग, वॉट कैन आई डू? ओके, होल्ड ऑन, यू हैव टू क्वेश्चंस. आई वॉज रॉन्ग, वॉट कैन आई डू टू मेक इट राइट? परफेक्ट, वंडरफुल. दिस इज वन वे हाउ यू कैन अप्रोच आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. You go to the concerned party, right? And you have a meaningful interaction with them. You ask, you express, you admit, you accept. To accept and to admit is a big thing, and it is a beautiful Vaishnava quality. So, first you accept that you have done something wrong, and you ask the other person, what can I do to make it right? Very beautiful. I love your response, Jai Haridas, Hare Krishna. And then, let's see. नेक्स्ट आपने आगे बोला है, डू द नेक्स्ट राइट थिंग. वंडरफुल. एंड व्हाट इज दैट राइट थिंग? इट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. वंडरफुल. रीता सीमा माता जी का रिस्पॉन्स है, वी शुड फील सॉरी बाय हार्ट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन एंड लॉर्ड. ब्यूटिफुल. सो दिस इज कॉल्ड रिपेंटेंस. फील सॉरी जेन्युइनली, सिंसियरली, एंड सो देन यू शुड एक्सप्रेस दैट. So dear devotees, let's see बाकियों के भी कौन से रेस्पॉन्स है. थैंक यू रीता सिंह माता जी. नीलू माता जी सेज, वी कैन सी फॉरगिवनेस एट सोल लेवल. एंड नीलू माता जी, व्हाट इज दैट? प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट. फॉर राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू रीड मेनी मोर कमेंट्स, लेट्स सी. डियर डिवोटीज, हमारा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप ये रियलाइज करते हैं आपने कुछ गलत किया है किसी के प्रति, एंड यू वॉन्ट टू फिक्स इट, right? You are feeling sorry in your heart, you realize. So you go to the, so what do you do? I want to know from you. Some devotees have already responded very nicely. I want to read more comments. And while others are writing their thoughts and realizations, मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहती हूँ some beautiful examples जो बहुत देर से मैं इंतजार कर रही थी कि ये जो sections मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इसके बाद मैं आगे इनके बारे में मेंशन करूं. सो नाउ प्रहलाद महाराज की जो प्रेयर्स हैं कैंटो 7, ओके, कैंटो 7 चैप्टर 10, इसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं. उसमें से वो पर्टिकुलर वर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं. आई विल रीड जस्ट द ट्रांसलेशन. ओके, सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. शिला प्रभुपाद की जय. सो द ट्रांसलेशन है, वन हु थिंक्स, आई एम सॉरी, दिस वॉज चैतन्य महाप्रभु श्री शिक्षाष्टकम. हेयर इज द वर्स, लेट मी सी इफ आई पोस्टेड द करेक्ट वर्स. यस, आई शेयर दिस वर्स फॉर यू. प्रहलाद महाराज किससे प्रेयर ऑफर कर रहे हैं? ही इज ऑफरिंग प्रेयर्स टू लॉर्ड नरसिंहदेव. सो प्रहलाद महाराज सेज, ओ सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि आप इतने मर्सीफुल हैं फॉलन सोल्स के लिए, आई आस्क्ड फॉर ओनली वन बेनेडिक्शन. सो नरसिंहदेव इज वेरी प्लीज्ड एंड हैप्पी विद प्रहलाद.
एंड ही सेज प्लीज आस्क मी समथिंग, आई वॉन्ट टू गिव यू सम बेनिडिक्शन. तो वो बोलते हैं आगे, प्रहलाद के वचन हैं ये, आई नो दैट माई फादर एट द टाइम ऑफ डेथ हैड ऑलरेडी बीन प्योरिफाइड बाई योर ग्लांस ऑन हिम अपॉन हिम. आई नो हमारे पिताजी को आप ऑलरेडी प्योरीफाई कर चुके हैं बाई योर ब्यूटिफुल ग्लांस, बट बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस ऑफ योर ब्यूटिफुल पावर एंड सुप्रीमेसी ही वॉज अननेसेसरली एंग्री एट यू. तो प्रहलाद के फादर कौन है? हिरण्यकशिपु. हिरण्यकशिपु वॉज एंग्री एंड एनवियस ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव विष्णु. तो वो क्या, उनके विचार क्या थे? दैट ही वॉज फॉल्सली थिंकिंग कि उनका जो ब्रदर है हिरण्याक्ष, उनका वध विष्णु ने किया, यू नो, वराह रूप में, और इसलिए वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था सुप्रीम लॉर्ड को. सो नाउ जब लॉर्ड नरसिंहदेव का अपियरेंस हुआ टू प्रोटेक्ट प्रहलाद, प्रहलाद इज ऑफरिंग प्रेयर्स, एंड आगे प्रहलाद की प्रेयर्स हैं, दस ही डायरेक्टली ब्लास्फेम्ड योर लॉर्डशिप द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. यानी हार्श वर्ड्स, ब्लास्फेमी की हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद लॉर्ड नरसिंहदेव की. इतना बड़ा सिन कमिट किया, ऑफेंस किया, and committed heavily sinful activities directed against me. Not only that, हर तरह से यातनाएं दी अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को, जो कि वैष्णव है. So आगे प्रहलाद कहते हैं, I wish that he be excused for all these sinful activities. तो प्रहलाद भी एंग्री हो सकते थे, प्रहलाद भी ग्रजेस रख सकते थे अपने हृदय में, बट इंस्टेड उन्होंने अपने पिताजी के लिए फॉरगिवनेस मांगी फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड. एंड शिला प्रभुपाद का पर्पट में मेंशन है कि ऑल्दो हिरण्यकशिपु का प्योरिफिकेशन हो चुका था एज सुन एज भगवान ने उसे अपनी लैप में लिया था और यू नो लॉर्ड सॉ हिम, बट प्रहलाद महाराज स्टिल वॉन्टेड टू हियर फ्रॉम लॉर्ड्स माउथ कि उनके फादर का प्योरिफिकेशन हो चुका है भगवान की कॉजलेस मर्सी से. तो इस तरह से प्रहलाद महाराज ने प्रेयर ऑफर की भगवान को फॉर सेक ऑफ हिज फादर. एंड एज ए वैष्णव सन, डिस्पाइट ऑल इनकन्वीनियंसेस इम्पोज्ड अपॉन हिम बाय हिज फादर, ही कुड नॉट फॉरगेट हिज फादर्स अफेक्शन. तो इन स्पाइट ऑफ ऑल बैड थिंग्स इन हिज फादर, अपना उनके खुद के पिता ने उनको टॉर्चर किया, प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी, लेकिन उसे अपने पिता का अफेक्शन याद रहा. वन गुड थिंग क्वालिटी, दिस इज द वैष्णव मूव, दिस इज वॉट हेल्प्स अ पर्सन टू बी कंपैशनेट टू अदर लिविंग एंटिटीज हु आर हर्टिंग एंड टू नॉट होल्ड ऑफेंसेज, टू रिमेंबर एटलीस्ट वन गुड क्वालिटी इन दैट पर्सन. सो ये तो मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रही थी. इसके अलावा यू नो अवर वैष्णव आचार्यज दे एक्सप्लेन कि ये जो क्वालिटी है वैष्णव की, पर दुख दुखी, ये नेचुरल डिवोशन हार्ट में होता है प्योर डिवोटीज के, जो अपनी हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस के बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी इनकन्वीनियंस के बारे में नहीं सोचते हैं, बट दे कैन एक्सपीरियंस द पेन ऑन सीइंग द पेन ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज. और इस तरह वो अंडरगो करते हैं एनी काइंड ऑफ ट्रिबुलेशंस to share and give mercy of Bhagwan दूसरे living entities के साथ, जो कि already इस material world में होने के कारण distressful condition में है. तो प्रहलाद महाराज एक बहुत ही supreme example है actually इस beautiful quality of love and devotion के. And हिरण्यकशिपु तो बहुत ही envious और violent creature माना जाते थे, मतलब you know इसके बारे में अगर हम पूरा narration पढ़ें श्रीमद् भागवतम canto 7 में, कि किस तरह से हिरण्यकशिपु का जो मोटिवेशन था टू कॉज हार्म पेन डेथ टू हिज ओन सन, इससे बुरा कोई किसी के साथ क्या कर सकता है. लेकिन प्रहलाद ने क्या किया? प्रहलाद ने इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, अपने हृदय में नहीं रखा, और वो क्या कर रहे थे, स्टिल जो थोड़ा बहुत उन्हें अपने पिता से अफेक्शन मिला उसके बारे में सोच रहे थे. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो डिवोटीज होते हैं, जो वैष्णव्स होते हैं, अपना हायर फेथ कल्टिवेट करके बाय डिवोशनल प्रैक्टिसेस दे कैन बी रेसिपिएंट ऑफ भगवान्स कॉजलेस मर्सी एंड ऑलवेज से गुड इन द मोस्ट सिनफुल पर्सन.
दूसरों में फॉल्ट्स ओवरलुक करना बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी है एंड एवरीबडी डजंट हैव इट। आई कैन से दैट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस बिकॉज यू नो कहा जाता है कि टू ट्रांजिशन फ्रॉम नाम अपराध, शुरू में जब हम चैंटिंग करते हैं नाम अपराध स्टेजेस में नामाभास की तरफ जाते हैं जहाँ हमारे ऑफेंसेस फिनिश होते हैं, सिनफुल रिएक्शंस फिनिश होते हैं, इवन वो स्टेज में जाने में 30, 40, 50 वर्ष लग सकते हैं। और आप उससे ये रिलेट कर सकते हैं कि वैष्णव क्वालिटीज डेवलप होने में कितना टाइम लगता है। बट द डिवोटी कैन ऑलवेज मेक एन एंडीवर टू ओवरलुक द फॉल्ट इन अदर पीपल एंड दिस इज हाउ डिवोटीज अट्रैक्ट द स्पेशल मर्सी ऑफ भगवान, क्योंकि यही क्वालिटीज सुप्रीम लॉर्ड में हैं, डिवाइन क्वालिटीज हैं। स्वयं भगवान का फॉरगिविंग नेचर है, लेकिन हम जैसे शिशुपाल का किस तरह कृष्ण भगवान ने वध किया, शिशुपाल ने बार बार यू नो हार्श वर्ड्स और नेम कॉलिंग करके ऑफेंसेस किए, तो फिर भगवान ने उसे फॉरगिव नहीं किया। सो भगवान फॉरगिव्स फॉर सम टाइम, बट देन ही इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग, ही इज ऑल्सो सीइंग द इंटेंट इन अवर हार्ट। सो आई विल शेयर मोर ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स विद यू ऑल। लेट मी सी योर कमेंट्स, हाउ डू वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस। हरे कृष्णा, हरि बोल। So dear devotees, I do not see any more comments, so let me share more examples with you and then I can mention to you some of the beautiful ways how we can ask forgiveness. All right, Hare Krishna. Feel free to share this live with friends and family, because this quality of forgiveness everybody needs. It is very important for the peace of our heart, mind and soul. Hare Krishna. So now, पूतना का एग्जाम्पल हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, राइट? कितने इल मोटिव्स के साथ आई थी पूतना कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, कान्हा ने क्या किया? कृष्ण डिड नॉट सी एनी ऑफ हर बैड इंटेंशंस। ही ऐसा एक्सप्लेन्ड है शास्त्रों में, ही डिड नॉट कंसिडर दैट शी हैड कम टू किल हिम, ही डिड नॉट कंसिडर दैट not only she killed him but she was famous also, she became famous because you know, see first of all she was famous because usne hazaron hazaron chote chote infant babies ko maar deti thi wo before she came to krishna, and isliye kans ne krishna ke paas putna ko bheja tha kyunki wo famous thi, wo chote bachcho ko finish kar sakti hai, itni sinful thi wo, itni evil thi, lekin जब कृष्ण ने देखा इतनी अच्छी माता आई हैं, शी हैज ऑफर्ड मी मिल्क, जैसे कि मुझे माँ यशोदा मिल्क देती हैं, उन्होंने केवल उसका इतनी क्वालिटी देखी और उसे उन्होंने लिबरेशन दे दिया टू बिकम हिज मदर इन गोलोक वृंदावन। सो यू सी हाउ कृष्णा इज विलिंग टू जस्ट सी लिटिल गुड इवन इन द वर्स्ट पर्सन एंड हाउ क्विक। अब ये देखिए हम लोग, हाउ क्विक आर वी टू सी बैड इन द बेस्ट पीपल। नाउ इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं लेना है कि भगवान तो हम में बस गुड ही देखेंगे, सो वी आर फाइन विद यू नो लेफ्ट एंड राइट मेकिंग ऑफेंसेस। वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज यू विल लूज अवर टेस्ट इन डिवोशनल लाइफ। सो देयर इज इम्पॉर्टेंस, वी शुड ओवरलुक द फॉल्ट्स इन अदर पीपल, वी शुड लुक द फॉल्ट्स इन डिवोटीज। Because to begin with, you know, जब भक्ति की लाइफ में कोई आता है, they are surrendering their lives, they are giving up so much opportunity for sinful life and sense gratification, and then they are willing to endure so much criticism for being God's devotee. Holy names chant करना है, उसको accept करना है life में, and just because past की कुछ conditioning है, कुछ कर्मों की cycle है जिसके कारण उनके साथ बैड हैबिट्स हो सकते हैं, तो यू नो वी जज देम, वी मेडिटेट ऑन देयर बैड हैबिट्स, वी लव टू टॉक अबाउट देम, वी यू नो गॉसिप अबाउट देम। तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि इवन मून में भी दाग धब्बे हैं, एग्जाम्पल देते थे, चंद्रमा में भी दाग धब्बे हैं। सो वॉट एवर डिफेक्ट्स you know a devotee can have due to the past life, unko insignificant mante hue hame ye dekhna hai ki how we can conduct ourselves, how we can let go and accept people for what they are and give them, bring out the best in them, and from our side if we have committed
any offenses, we should go and ask for forgiveness. And this is the way we can stay steady, we can improve the chant, our chanting, our japa, our bhajan kriya, our association with the devotees. This is how we can go through the cleansing process, the cheto darpan marginam process in our devotional life. And in this way we can help each other. So now there is a nice narration from Chaitanya Charitamrita. You know, Raghunath Bhatt Goswami hai, one of the six Goswamis, wo tolerate nahi kar pate the kisi ka bhi defect. You know, and even if the person was actually full of defects. So if someone began to point out the actual defects in a devotee, Raghunath Bhatt Goswami kya karte the, he would hold his ears and he would go away. And as he would be leaving, wo kya kehte the, all I know is this man is a devotee of Krishna, and that's all I want to know and hear about this person. Nothing else makes a difference. So isko Vaishnavacharyas explain karte hain, the fact that ki koi bhakt hai matlab that is worshipable, and actually mein iske references hain shastron mein bhi. So Krishnadas ko Kaviraj Goswami Chaitanya Charitamrita mein mention karte hain, wo offer karte hain constant obeisances to all the Vaishnav devotees of the Lord. Aur wo kehte hain, I take the dust from all their feet, not only to those great paramhamsas who have surrendered their life and soul, but also to those brand new devotees who are just coming to this movement. I worship their lotus feet and take their dust on my head. So ye dekhiye, ye mood hai, and because hamari jo bhakti ki life hai, we are recommended to follow in the footsteps of such exalted devotees of the Lord, to cultivate that mood of love and devotion, to cultivate this topmost quality of love and devotion. And Krishna's Kaviraj Goswami, according to our acharyas, is the greatest of all acharyas in our line. Okay, he is the author of the most important spiritual literature on the earth, Chaitanya Charitamrita. And how is he thinking, right? He is taking the dust of the feet of the new devotees who are obviously addicted to sinful activities and have so many bad habits. But the fact that these new devotees are chanting the holy name to him, this is so worshipable that he takes the dust of their feet on their head. So is tarah se great souls ki life se we have to learn how they look for gold. If they can find gold even in a filthy place, they will accept it. So factually, is in Kali Age times mein practically everyone's heart bataya jata hai it is filthy. So and isko accept bhi karenge log ki there is a lot of inauspicious things within our heart. So but then when we have this desire to approach Krishna, this desire of approaching Krishna is like gold. So devotees of the Lord, what should we do then? We are not looking for dirt. Anyone can find dirt, and they are looking for gold. And if they can find even the slightest trace of gold, then it is said that the devotee of the Lord, he is constantly looking in others, even in the conditioned souls who are most sinfully inclined. We should always constantly search for the tiny speck of spark of desire for devotional service. And if it is there, we should fan that spark. We should not try to find faults, and we should find some way to glorify them. So dear devotees, so we have to learn to accept nobody is perfect. So that is why it's mentioned that Vaishnavas should not take to offense. Krishna can handle everything. Krishna takes care of everything. So it is said that the devotee is like a honeybee. Why? A devotee is like a honeybee, and an unfortunate person is like a fly. The honeybee, agar garbage dump mein bhi hoti hai, to wahan par jahan pe sara garbage aur waste hota hai, wo keval flower ko dhoondti hai, honeybee. Isn't it? And
अगर पूरे कचरे में, गार्बेज में, सुवेज में एक छोटा सा भी फ्लावर होता है, आपने देखा होगा, वहाँ पे जाके हनी भी वहाँ जाती है एंड शी सक्स द हनी फ्रॉम दैट फ्लावर एंड इज एब्सोल्युटली अनकंसर्न्ड विद द वास्ट ओशन ऑफ सीवेज अराउंड. और फ्लाई का, मक्खी का क्या काम होता है? मक्खी सबसे ब्यूटीफुल जगह होने के बाद भी, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल गार्डन में होने के बाद भी, जहाँ सबसे सुंदर खूबसूरत रोजेज हों, कमल के पुष्प हों, लोटस हों, जहाँ पे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो फॉर हनी, स्वीटनेस, नेक्टर, बट वेयर दे गो एंड सिट, दे गो एंड सिट ऑन ए पीस ऑफ स्टूल दैट माइट बी समहाउ और अदर लेफ्ट बाय सम क्रीचर. तो देखिए, इस तरह से दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ प्योर डिवोटी. सो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्वीट हनी ऑफ डिवोशन इन एवरीवन्स हार्ट. He is looking for Krishna in everyone's heart and he is always finding great pleasure in glorifying that. और जो new devotees होते हैं ना, वो जब तक उनको इस बात की understanding नहीं होती है about the true qualities of a Vaishnav, जब तक वो material consciousness के influence में होते हैं, they love to taste the sweetness of faults in others, क्योंकि वो उनके लिए nectar होता है. तो इस तरह से अगर हम ओवरलुक करते हैं दूसरों में फॉल्ट्स, वी कैन इजीली फॉरगिव. सो दिस वाज माय पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग यू ऑल इन डिटेल, हाउ डू वी कम टू दिस पॉइंट ऑफ फॉरगिविंग अदर्स, हाउ डू वी फॉरगिव. फॉर दैट वी हैव टू ओवरलुक द लुक, वी हैव टू ओवरलुक एट द फॉल्ट्स. सो नाउ प्रहलाद महाराज अपने फादर के लिए फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं, वो तो राक्षस है, राइट? लेकिन what is he looking in his father? His affection, the affection he received, and so this is the forgiveness of a devotee. So now Srila Prabhupada 9th canto mein explain karte hain qualities of a devotee, aur usme sabse prominent hai forgiveness ki quality. Devotee hamesha anxious hote hain to forgive anyone of anything. And Vaishnava Acharya has explained that there is no offense so great that cannot be immediately forgiven by the devotee of the Lord. Lekin ye bhi mentioned hai ki Bhagwan may not immediately forgive a person of the offenses committed to devotee, lekin devotee jo hai, he will instantly forgive, especially as soon as a person desires forgiveness. This is the quality of love. This is the quality of devotion, the willingness to forgive and forget. और शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं ब्रीफली अब आपके साथ मेंशन करूंगी, एंड देन आई विल रीड योर कमेंट्स एंड वी विल कंक्लूड दिस प्रोग्राम. सो वी नो अबाउट अम्बरीश महाराज, वो पूरे 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस फॉलो करते थे. एंड दुर्वासा मुनि जो थे, ही वॉज वेरी एनवियस ऑफ अम्बरीश महाराज. उन्होंने कहा कि एंगर में उन्हें श्राप दे रहे थे, एंड इसके लिए उन्होंने एक ह्यूज मॉन्स्टर क्रिएट किया फॉर पर्पस ऑफ किलिंग अम्बरीश महाराज. लेकिन विष्णु भगवान जो थे, विष्णु जी ने प्रोटेक्शन दिया, एंड सो दुर्वासा मुनि जो थे, उन्हें भागना पड़ा थ्रू आउट द यूनिवर्स फॉर ओवर अ ईयर, एस्केप करते हुए फ्रॉम विष्णुज सुदर्शन चक्र. और फाइनली जब उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि उनकी ओनली होप क्या है, ओनली होप वॉज टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ अम्बरीश, तो फिर वो अम्बरीश के पास आए, जो कि अपने डोरस्टेप पे खड़े थे, अपने पैलेस के दरवाजे पे थे, फास्टिंग कर रहे थे, एक वर्ष से वेट कर रहे थे दुर्वासा मुनि का, क्योंकि दुर्वासा मुनि उनके यहाँ अतिथि की तरह आए थे. और दुर्वासा मुनि ने उनसे कहा, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर द ऑफेंस आई हैव कमिटेड टू यू. और तब अम्बरीश महाराज का क्या रिस्पॉन्स था? वॉट, फॉरगिव यू? माई गॉड, ऑल द इनकन्वीनियंस आई हैव कॉज्ड यू, आई केप्ट यू वेटिंग फॉर प्रसाद फॉर ओवर 1 ईयर, आप इधर से उधर भाग रहे हैं, आपको कितनी इनकन्वीनियंस हुई होगी बिकॉज ऑफ मी, आई शुड बी द वन बेगिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम यू. सो दिस इज द नेचर ऑफ अ डिवोटी. चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य लीला, गौर लीला में बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है रामचंद्रपुरी के बारे में. रामचंद्रपुरी जो थे, वो जगन्नाथपुरी में आए,
ऐसा बताया जाता है, ही वॉज एन ओशन ऑफ बैड क्वालिटीज. सो बिफोर आई डिस्क्राइब दिस, बिकॉज दिस इज ऑल सो स्वीट, आई थॉट आई विल डिस्कस दिस ऑल्सो विद यू. लेट मी चेक योर कमेंट्स. हरे कृष्ण. Examples and this lesson in today's live program is helpful for you. It is helpful for me also. It is helpful for so many of us, because when we read and discuss about the way art of forgiveness works and how we can apply, we can actually apply it. And return, Devnath ji, Radhe Radhe, Neeru Mata ji, you like this beautiful explanation? Wonderful, thank you. Neeru Mata ji says, let us try. Let us try to be like a honeybee and not a fly. Wonderful. I'm so glad what I am narrating from the Shastras, usko aap log absorb kar rahe hain, summarize kar rahe hain, mention kar rahe hain comments mein, so that other people can benefit from it. Thank you so much, Neeru Mata ji. Vivankar Ghoshal ji, Radhe Radhe. Who else is there? Let's see if there are any more comments. So Rita Seema Mata ji asked, how can we build these qualities? Beautiful. So Mataji, hum throughout is topic par bhi touch karte hue chal rahe hain ki hum ye divine qualities kaise cultivate kar sakte hain. When we follow 9 processes of devotional service, jo ki kya hai aap likh kar batayenge comment pe if you know. Dear devotees, what are the 9 processes of devotional service? Jarur comment pe, comment box mein jaldi se mention kariye. Now that Rita Mataji has questioned about it, कि हम divine qualities कैसे cultivate कर सकते हैं, कैसे follow कर सकते हैं, let us see what is your response. Because this is a very wonderful question. An inquisitive person and a sincere person should seriously ask this question. हमने पहले आपसे पूछा था, forgiveness, how can we ask for forgiveness? And this is question is similarly, it is similar question, how can we build these qualities? So we are going to talk about it now, and then I will share with you the pastime from Chaitanya Charitamrita. Nidhi Mataji, welcome. Hare Krishna. Neeru Mataji says, by Sadhu Sangha, wonderful. So jab koi kehta hai, just Sadhu Sangha, usse kai baar log lost feel karte hain ki Sadhu Sangha mein activities kya hoti hai. Sadhu Sangha mein humari activities hoti hai. Nidhi Mataji ka jo response hai, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. टुगेदर हैविंग डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स इन ग्लोरिफिकेशन एंड सिंगिंग हियरिंग रिमेम्बरिंग द स्वीट पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड सर्विंग टुगेदर दीज आर द डिवोटीज एक्टिविटीज इन ब्यूटिफुल एसोसिएशन. एंड इससे हम कल्टिवेट करते हैं डिवाइन क्वालिटीज. द मोर वी रीड, हम जितना रीड करते हैं, जैसे चैतन्य चरितमृत श्रीमद् भागवतम में अबाउट लाइव्स ऑफ सेंटली सोल्स, वी एब्जॉर्ब इट एंड वी इम्बाइब इट इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ एंड वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. हमें मर्सी भी चाहिए भगवान की और वैष्णवों की, लेकिन उसके लिए हमें एंडीवर करना है. वी हैव टू टेक, बोलते हैं ना, यू टेक वन स्टेप टूवर्ड्स कृष्णा, ही टेक्स 10 स्टेप्स टूवर्ड्स यू, दैट इज वॉट इट इज. And Rita Mataji says, Mataji, I only know by chanting and by surrendering. Exactly. Surrender mood hai. Surrender ke mood ko cultivate karne ke liye, we have to make choices, jiske baare mein humne pehle discuss kiya. Accept everything which is favorable for spiritual life. Reject everything which is detrimental. Always depend on Krishna. Believe in protection of the Lord. Cultivate a mood of humility. Ye sab jo cheeze hain, इनसे हम टॉलरेट करते हुए, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हुए, प्रॉपर चॉइसेस अप्लाई करते हुए, प्रैक्टिकली वी कैन अप्लाई फॉरगिवनेस और एनी वैष्णव क्वालिटी. सो आई होप यू गॉट योर आंसर. नीरू माता जी सेज, प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड इन एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज. एग्जैक्टली. ऑलराइट रीता माता जी, सो नाइस टू सी यू. आई एम सीइंग योर नेम प्रोबेबली फर्स्ट टाइम. To stay connected with us, feel free to click on the WhatsApp link and you can connect with us. Hare Krishna. So, dear devotees, now let me share with you all this beautiful pastime in Chaitanya Charitamrita.
एंड वाइल वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट, मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ, शिला प्रभुपाद जी ने भागवतम में और काफ़ी पर्पट्स में एक्सप्लेन किया है कि ब्यूटी ऑफ अ वैष्णव अ सेंट्री पर्सन इज फॉरगिवनेस। और बहुत एग्जाम्पल्स हैं शास्त्रों में जहाँ पे काफ़ी सेंट्री सोल्स को अननेसेसरी हरास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ऑल्दो वो एक्शन ले सकते थे। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज, जो पूरी भगवत कथा जिसको हम इतना रिलिश करते हैं, वी फील नरिश्ड, अवर हार्ट्स फील नरिश्ड विद ऑल द भगवत कथा इन श्रीमद् भागवतम। सुखदेव गोस्वामी ने जो भगवत कथा नरेट की उसकी सेटिंग क्या थी, परीक्षित महाराज वॉज अननेसेसरली कर्स्ड, उनको श्राप मिला बाय द ब्राह्मण बॉय, और उसके बाद जो ऋषि थे उन्होंने भी बहुत रिग्रेट किया कि उनके बेटे को, उनके पुत्र को, महाराज परीक्षित जो इतने राइटियस किंग थे उनको श्राप नहीं देना चाहिए था। लेकिन व्हाट वाज मूड ऑफ परीक्षित महाराज, ही एक्सेप्टेड द कर्स। उनके पास केवल 7 दिन थे और ही एग्रीड टू डाई विद इन अ वीक एज ब्राह्मण बॉय हैड डिजायर्ड। तो इस तरह से यू नो फ्रॉम द मूड ऑफ द वैष्णवास, फ्रॉम द मूड ऑफ द सेंट्री सोल्स वी लर्न कि resistance dena to get entangled in the karma cycle is not the solution, rather with Vaishnav quality of humility and tolerance one should accept what is coming, one should also take action actually in certain situations jo ki wo bhi described in shastra mein, but out of compassion and out of respect for other living entities, to not complicate the situation, to not counteract, but accept what is coming. So then one can apply the principle of, in this case we are talking about forgiveness, all right? And this does not mean that we lack certain things in us, there is some deficiency in us, rather it indicates that we are able to tolerate the situation for welfare of the other party. Hare Krishna. So dear devotees, Nidhi Mataji, you have mentioned always surrender to Supreme Lord in the mood of humility. That's a very beautiful lesson from the Shastras. And I mentioned earlier the third verse of Sri Shikshashtakam, Tanadapi Sunichena. So that verse should be worn like a garland around our neck in this life of bhakti if we want to make rapid spiritual advancement. So hum aapke saath share kar rahe the कि रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में आए और उन्हें ओशन ऑफ बैड क्वालिटीज़ माना जाता था, और ये ब्रीफ में मैं आपके साथ नरेशन शेयर करूंगी, इसका डिटेल ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन चैतन्य चरितामृत में है। रामचंद्रपुरी जो थे वो डिसाइपल थे माधवेंद्रपुरी के, और माधवेंद्रपुरी अपने लास्ट के डेज में यू नो वो बेड रिडन हो गए थे, और वो यू नो ही वॉज इन ए भाव स्टेज और वो क्राई आउट कर रहे थे, ओ लॉर्ड ऑफ मथुरा वाई आर यू नॉट हेयर विद मी टूडे, वेयर आर यू, इस तरह से वाई हैव आई नॉट येट ऑब्टेन्ड यू। तो रामचंद्रपुरी वहां पर थे, वो बोलते हैं हा यू आर नॉट सीइंग लॉर्ड ऑफ मथुरा, देन यू शुड मे बी यू नो इंस्टेड ऑफ मेडिटेटिंग ऑन सुप्रीम लॉर्ड यू शुड मेडिटेट ऑन ब्राह्मण। तो माधवेंद्रपुरी तो बहुत इससे हैरान रह गए और अनॉय हो गए, उन्होंने कहा ये रास्कल ये अपने आप को मेरा शिष्य बोलता है और मुझे बोल रहा है कि मुझे किस पे मेडिटेट करना चाहिए, मुझे ब्राह्मण पे मेडिटेट करना चाहिए, जब मैं आई एम इन लास्ट स्टेजेस, आई एम अबाउट टू लीव माय बॉडी, गेट आउट ऑफ हेयर, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तो इस तरह से जब रामचंद्रपुरी ने ऑफेंड किया अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, उसका रिजल्ट ये हुआ कि ही लॉस्ट ऑल हिज गुड क्वालिटीज, तो उसका रिएक्शन आया। तो इस तरह से लेसन ये है कि इफ वन ऑफेंड्स अ ग्रेट सोल, चाहे कितने भी आप टॉप के डिवोटी हों, लेकिन आपने अगर ऑफेंस कमिट कर दी है तो उसका रिजल्ट कई बार ये होता है, यू लूज योर लाइफ स्पैन ऑन ऑल योर गुड क्वालिटीज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये श्रीमद् भागवतम में मेंशन है। सो नाउ जो ग्रेट सोल्स होते हैं, दे हैव डन सो मच सर्विस टू द लॉर्ड, एंड यू नो दे फॉर सम रीजन इफ दे कैरी एनवी इन देयर हार्ट एंड कमिट ऑफेंस टू द अदर ग्रेट सोल्स, दे विल सून लूज ऑल देयर डिवोशनल क्वालिटीज
एंड सो रामचंद्रपुरी का बारे में बताया जाता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद में उनकी सारी गुड क्वालिटीज चली गई एंड हिज ओनली बिजनेस वॉज टू फाइंड फॉल्ट इन अदर पीपल, यानी कि स्वयं भगवान में भी, चैतन्य महाप्रभु में भी उन्होंने फॉल्ट निकाल दिए। तो क्या होता था कि वो प्रसाद सर्व करते थे और जैसे कि हमने देखा है इंडिया में खासकर कि जब कोई बोलता है कि नहीं 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 मुझे और नहीं चाहिए, फिर भी लोग और डाल देते हैं प्लेट में, नहीं नहीं थोड़ा और लीजिए और लीजिए। तो इस तरह से वो इस तरह से भक्तों के साथ करते थे। और उसके बाद में जब डिवोटीज वो ऑनर करेंगे प्रसाद, तो उसके बाद वो उन्हें चेस्टाइज करते थे कि जस्ट सी तुम इतने बड़े सेंस एंजॉयर हो, तुम अपने आप को ब्रह्मचारी बोलते हो और इतनी ओवर ईटिंग करते हो, इतना सारा तुमने खा लिया, इतना रिच और सम्पचुअसली खा लिया प्रसाद, तुम तो इतने बड़े डिस्ग्रेस हो इस रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ के लिए। तो इस तरह से काफ़ी बुरा फील करा रहे थे वो भक्तों को और उनको नेम कॉलिंग कर रहे थे कि दे आर जस्ट कंसर्न विद देयर टंग्स एंड बेलीज एंड देयर सेंस एंजॉयर्स, कितना डिस्गस्टिंग। हमने भी अपनी लाइफ में इस तरह के कुछ केसेस देखे होंगे। तो अब आगे क्या हुआ कि उन भक्तों ने सोचा कि हे भगवान अब हम करें क्या। बहुत ही शर्मिंदा में वो वहाँ से जाते थे बुरा फील करते हुए। उसके बाद रामचंद्रपुरी ने चैतन्य महाप्रभु के साथ भी यही किया। तो भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु को तो सभी भक्त सुप्रीम लॉर्ड जानते थे और उनका ग्रेटेस्ट प्लेजर लाइफ का यही था कि टू सर्व चैतन्य महाप्रभु, नाइस वंडरफुल प्रसाद। सो जब चैतन्य महाप्रभु के सामने ढेर सारे प्रिपरेशंस रखे गए, भक्तों ने रखे, उनको ऑफरिंग्स दी, तो रामचंद्रपुरी बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ सन्यासी इज दिस, इतना ज़्यादा इतना हैवी फूड, ये कोई सन्यासी नहीं है, ये तो कोई जेन्युइन सन्यासी नहीं है, ये तो बस सेंस एंजॉयर है। तो चैतन्य महाप्रभु के सामने इतना सारा होता था पर वो टाइनी सैंपल ही लेते थे और उन्होंने तो सन्यास लिया हुआ था, उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल एलिगेंट चेस्ट फेथफुल वाइफ गिव अप कर दी, अपनी वेल विशिंग मदर के पास नहीं थे, ओनली टू बी कंपैशनेट टू अदर लिविंग एंटिटीज। वैष्णवाचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि ही वॉज स्प्रेडिंग युग धर्मा टू एवरी वन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में पूरे पास्ट टाइम्स हैं, किस तरह से उन्होंने डिलीवर किए मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल साउथ इंडिया एवरीवेयर, सबको रास्ता दिखाया हाउ टू गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ बर्थ एंड डेथ, हाउ टू अचीव प्योर लव ऑफ गॉड। एंड यहाँ तक कि एनिमल्स, झारखंड के जंगलों में एनिमल्स तक ने चैंटिंग किया होली नेम्स का। तो जब देखा ऐसे रामचंद्रपुरी ने कि चैतन्य महाप्रभु के सामने इतने सारे ऑफरिंग्स हैं, तो बस उसने ब्लास्फीम करना शुरू कर दिया उसी समय। और जो बाकी भक्त थे उन्हें तो इतना क्रोध आया, वो तो बिल्कुल रामचंद्रपुरी की पिटाई करना चाहते थे, दे वांटेड टू बीट हिम अप एंड थ्रो हिम आउट ऑफ द विलेज। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा डोंट थिंक लाइक दैट, ऐसा नहीं करो, ये एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, ये मुझे हेल्प कर रहा है एक्चुअली बेटर सन्यासी बनने के लिए, और ये मेरा गुरु भाई है, ही इज़ माई गुरुज डिसाइपल, सो एक्चुअली ही इज़ माई गुरुज गॉड ब्रदर, सो ही शुड बी respected. If he says I eat too much, that means I eat too much. So from this day on, I will only have very small amount of ubla hua chawal, nothing else. तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने रूम में बैठे हुए थे और रामचंद्रपुरी आए, उन्होंने देखा कि जमीन पर दो तीन चींटियां क्रॉल कर रही थी, फिर वो शुरू हो गए, बोलते हैं देखो इस हिपोक्रेट चैतन्य को ये अपने आप को सन्यासी बोलता है लेकिन सबको ऐसा उन्होंने इम्प्रेशन दिया हुआ है कि थोड़ा खाते हैं लेकिन सीक्रेटली यहाँ अपने रूम में मीठी चीज़ें खा रहे हैं, तभी तो ये प्रूफ है यहाँ पर ये चींटियाँ घूम रही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उस वक्त वहाँ से उठकर जा सकते थे या अपना सुदर्शन चक्र निकाल सकते थे, राइट, सीधा उसको ट्रीटमेंट दे सकते थे, लाइक उन्होंने जगन मधाई को
दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो रामचंद्रपुरी के प्रति उन्होंने अपनी ह्यूमिलिटी रखी, उन्होंने चुपचाप बस वो नीचे देखते रहे और एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने सब एक्सेप्ट किया जो रामचंद्रपुरी ने कहा, उन्होंने ऐसा कहा ये मेरे बेनिफिट के लिए है। सो दिस इज हाउ फॉरगिविंग चैतन्य महाप्रभु वॉज, हाउ ही वॉज विलिंग टू सी द गुड इवन इन रामचंद्रपुरी। तो इस तरह से जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं वो शेयर करते हैं कि जब प्रभुपाद बेस्ट में आए और उन्होंने वहाँ के हिप्पीज को और पता नहीं कैसे कैसे सभी को डिवोटीज बनाया। ये लोग ऐसे थे कि देवर हैविंग इलिसिट सेक्स एवरी डे, देवर हैविंग इंटॉक्सिकेशन 24 आवर्स, मीट मांस खाते थे और ऐसी गैम्बलिंग करते थे, ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे, अबोमिनेबल एक्टिविटीज़। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी में भी उन्होंने स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ डिज़ायर देखा कि कृष्ण को सर्व करना चाहता है, उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया। नाउ चेन स्मोकर्स थे, ड्रग एडिक्ट्स थे, अल्कोहलिक्स थे, सेक्स मॉन्गर्स थे, प्रोस्टिट्यूशन था। सो प्रभुपाद ने देखा अगर स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन है उनमें टू यू नो, बस प्रभुपाद ने उनके हृदय में भक्ति का स्पार्क फैन किया। उन्होंने बोला दिस पर्सन इज सो ग्रेट, ही वॉन्ट्स टू चैंट द होली नेम्स। और किसी ने ये पूछा कि वॉट अबाउट इनकी ये जो अदर बुरी आदतें हैं, प्रभुपाद से ही वॉन्ट्स टू चैंट द होली नेम, वॉट एल्स मैटर्स। सो वॉट टू स्पीक ऑफ समवन हु इज चैंटिंग द होली नेम्स विद अ वॉ। सो इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दिस इन्फिनाइट फॉरगिवनेस कि श्रील प्रभुपाद ने ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रीचिंग की, ही वॉज एबल टू चेंज द हार्ट्स ऑफ पीपल एंड स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ होली नेम एवरीवेयर। सो हमें भी प्रेयर्स ऑफर करनी चाहिए, इस तरह से अपना कल्टिवेट करना है इन क्वालिटीज को, सो दैट वी कैन इफेक्टिवली प्रीच ऑन बिहाफ ऑफ अवर स्पिरिचुअल मास्टर। वैष्णव जो होते हैं दे आर वेल विशर ऑफ एवरीवन, and this is a quality of great souls, and it is only this quality that gives people of this world a hope for spiritual life. Jesus Christ ke bare mein hum sabhi ko pata hai, recently good friday easter observe kiya gaya tha. So forgiveness is a great quality of Vaishnava. So hum sabhi ko apne hearts mein analyze karna chahiye, reflect karna chahiye, how we are seeing the good qualities in others, how we are looking for defects in others. Let us think about Prahlad Maharaj, Lord Jesus Christ, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and all the great devotees who are supposed to be following in their footsteps. Kitne sab forgiving hain, kitne magnanimous hain, how they are like honeybees. Neeru Mataji ne comment mein mention kiya, repeat kiya, how the devotees should cultivate honeybee like quality of looking for nectar, चाहे वो कितनी भी छोटी ही ना हो, इन द हार्ट ऑफ अदर पीपल। एंड देन हाउ वी शुड अवॉइड सीइंग डिफेक्ट्स इन अदर, व्हेन वी कैन ओवरलुक द फॉल्ट इन अदर्स, देन वी कैन फाइंड अवर सेल्फ एक्सेप्टिंग देम एंड फॉरगिविंग देम। सो वी शुड सी हाउ वी कैन फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द सेंटली सोल्स, वी शुड सर्च इन अवर हार्ट्स, लेट अस एग्जामिन व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट वी आर थिंकिंग ड्यूरिंग द डे, एंड let us make an endeavor, a sincere effort to learn to follow in the footsteps of these great acharyas, these mahatmas who are teaching us, they teach us how to be a pure Vaishnava, what it means to be a devotee of the Lord and how to please the Lord. So is tarah se if we will see Krishna in the heart of everyone by always looking for Krishna, you know, in whatever is around us, in the hearts of people, we will be more sympathetic, we'll be a kind well-wisher of everyone, regardless of our position, their position. So dear devotees, let me check your comment. This is all I wanted to share with you all today. Now, I do remember, I promised you, I will tell you towards the end, how to ask for forgiveness. हरे कृष्णा। राम प्रताप चौधरी जी, नीरू माता जी निंदक मेरे राखिए, यस दैट्स अ वेरी नाइस दोहा
If you know the complete lines, please mention in the comments. Dinu Mataji, Sheila Ji, Hare Krishna. So dear devotees, now towards the end, I want to tell you it is very simple. Putting our ego aside, we should just ask the person, like earlier one of the devotees mentioned, how can I serve you? You can mention, I have committed some wrong, I am sorry about it, I apologize. And then you should find a way to serve the other person जिसके अगेंस्ट आपने अनइंटेंशनली या इंटेंशनली कुछ रॉन्ग कमिट किया है. एंड इन वर्ड्स यू नो यू कैन एक्सप्रेस ब्यूटिफुल अपॉलॉजी ऑल्सो आइदर इन रिटन और इन योर वर्ड्स दैट माई दिस एक्ट वॉज रॉन्ग एंड दिस इज हाउ आई शुड हैव डन. प्लीज गिव मी अ चांस टू सर्व यू. प्लीज गिव मी अ चांस टू फिक्स इट. So, depending on your relationship, sometimes, you know, some people, they just give a warm hug and say Hare Krishna and they offer kind words, kind nectarian words. So, an apology can be extended, forgiveness can be expressed in many ways. Hare Krishna. Thank you so much, dear devotees, for joining us today. Did you benefit from this session? Please mention quickly. I want to see your comments, dear devotees. Those of you, some of you are still watching. Please mention, ye jo forgiveness ka aaj humne live program kiya, does it help you? Hare Krishna, Sabita Mataji, welcome to the program. We have Seema Mataji, we get peace and happiness. Yes, for our peace and happiness and for to be a well-wisher of other living entities, we should forgive others and we should accept the apology to forgive others. Rita Seema Mataji, you will follow. Wonderful, I'm happy to see that. Niru Mataji, it's a helpful session. Thank you so much for letting me know. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavatpad ki jai, Ananti Koti Vaishnav Vind ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai. Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Om Tat Sat.